ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਐਸਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਪੀਐਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। नगर निगम शिमला दी चोणां विच इस बार भारतीय जनता पार्टी दे नवा इतिहास सिरजिआ है। भाजपा ने 25 साल बाद इन्हां चोणां विच वड्डी पद्धर ते जित हासिल करके कांग्रेस दा सियासी किला ढहिढेरी कीता है। नगर निगम दीआं 25 सीटां ते भाजपा ने 12 सीटां ते जित हासिल कीती है, जदों कि कांग्रेस दे हिस्से 10 अते सीपीएम दे हिस्से 3 सीटां आईआं ने। 26 सालां दे लंबे इंतजार तों बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी लई ओह दिन आ गया जिसका उस नूं बेसबरी नाल इंतजार सी। भाजपा ने शिमला नगर निगम दी चोणां च इस बार शानदार जित हासिल करके कांग्रेस का सियासी किला ढह ढेरी कर दिता है, पर दूजे पासे इन्हां चोणां च अपनी सियासी ताकत लाउण दे बावजूद भी भाजपा मेयर अते डिप्टी मेयर दे अहुदे ते काबज नहीं हो सकी। मेयर अते डिप्टी मेयर दी सीट ते सीपीएम ने बाजी मारी है। सख्त सुरक्षा प्रबंधा हेठ होईआं नगर निगम शिमला दी चोणां च 25 वार्डां विचों 12 वार्डां दे भाजपा दे उम्मीदवारां ने जित हासिल कीती है, जदों कि 10 सीटां ते कांग्रेस दा कब्जा रहा है। 3 सीटां तों सीपीएम दे उम्मीदवारां ने जित दा परचम लहराया है। नगर निगम शिमला दीआं चोणां च पहली बार मेयर अते डिप्टी मेयर दी चोण सिद्धे तौर ते लोकां वल्लों कीती गई है। इस चोण च सीपीएम दे संजय चौहान ने भाजपा दे उम्मीदवार नूं 7000 वोटां दे फर्क नाल हरा के मेयर दी सीट ते बाजी मारी है, जदों कि सीपीएम दे टिकिंदर पंवर ने भाजपा दे ही उम्मीदवार नूं 4500 वोटां दे फर्क नाल मात दे के डिप्टी मेयर दी सीट ते कब्जा कीता है। नगर निगम चोणां च 25 साल बाद वड्डे पद्धर ते जित हासिल करन वाली भाजपा अपनी जित नूं लै के काफी उत्साहित नजर आ रही है। क्यास अराईयां लगाईयां जा रहीयां ने कि इन्हां चोणां दा असर हिमाचल दीआं आगामी विधानसभा चोणां ते वी पवेगा, क्योंकि इन्हां चोणां नूं सियासी महर सैमीफाइनल मैच वजों देख रहे ने। शिमला तों मोनिका चौहान दे नाल सपन मनचंदा, डेढ़ नाइन न्यूज। सीबीएसई के 12वीं जमात के नतीजे आज ऐलान दिए गए। इन नतीजों संबंधी जेकर उत्तरी भारत की गल करिए तो सीबीएसई का नतीजा 80% आया है, जिस विच विद्यार्थियों की बजाय विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। विद्यार्थियों का पास फीसदी 82.44 रहा, जबकि विद्यार्थियों का पास फीसदी 69.14 रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने क्लास 12 का रिजल्ट आज घोषित कर दिया है और इसके परिणाम वेबसाइट पर दिए गए हैं और चंडीगढ़, पंचकुला, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ यूटी इन क्षेत्र से मिला के कुल इस रीजन से 1,31,555 बच्चे बैठे थे। उसमें से 77,778 छात्र थे, जिसमें से 53,779 छात्रों ने परीक्षा पास की है और उनका पास प्रतिशत जो है 69.14% रहा। उसी क्रम में छात्राओं का जो रुझान रहा है, छात्राएं 53,777 बैठी थी और उसमें 44,336 छात्राएं पास हो चुकी है और उनका पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले 82.44% रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि छात्राएं ने छात्रों से अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जलंधर के सतनाम नगर में आज एक महिला की शक्की हालत में मौत हो गई। मृतका अपर्णा शर्मा नां दी इस औरत की लाश सवेरे घर दीआं पौड़ियां दी ग्रिल दे नाल लटकदी हुई मिली। मृतका के पिता होशियारपुर के सतपाल शर्मा का कहना है कि उन्हां दी बेटी का विआह इसे साल ही होया सी। उन्हां दी छोटी बेटी अपनी भैन अपर्णा कोल रहण आई सी। उसने फोन करके दस्या कि अपर्णा की मौत हो गई है। उन्हां नूं शक है कि उसकी बेटी का कतल किया गया है, क्योंकि उसके सहुरे घर वालों किसी ने भी उन्हां दी बेटी की मौत बारे कोई जानकारी नहीं दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बाद मामले की तह तक जान का भरोसा दिता है। कारण तो स्पष्ट नहीं, जो जी डेथ है वह शक्की हालात हुई है जी। सानू रात 9:30 कुड़ी का फोन आया, अद्धा घंटा असं गलबात की है, बिल्कुल नॉर्मल सी जी। सवेरे 6 बजे सानू साडी बेटी तो छोटी आई हुई, उन्होंने सानू फोन किया है कि दीदी को कुछ हो गया कि फसाए हुई अंदर पता नहीं। खैर असं आए इतने जी, सानू सिर्फ यह कि सानू ना कुड़ी की सस ने फोन किया ना प्रोहने ने फोन किया। इनफॉर्मेशन आई सी कि इन्हें करके फायर ला लिया। असं आए हैं मौके से, देखिया जरा है कोई दिन गलबात नहीं है लगती सानू, क्योंकि जी डेड बॉडी असी लाई है घर दिया ने आके इन्वेस्टिगेशन की। असं और इन्वेस्टिगेशन के बाद असं दस दें की गलबात।
सीपीएम की पंजाब इकाई ने आज डिपुआ राही लोगों को मिलने वाले मिट्टी के तेल के कोटे विच कटौती खिलाफ और डिपुआ विच बुनियादी जरूरतों नाल संबंधित 25 वस्तां मुहैया करवाने लिए जिला हेडक्वार्टर से धरने दिते। इस लड़ी तहत बरनाला के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर अगे धरना दिता गया, जिस विच सीपीएम नाल संबंधित सैकड़े मजदूर कामियां ने शमूलियत की। हाथों में पार्टी के झंडे फड़ी इन्हां लोगों ने पंजाब अते केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी की। इन्हां दे मुजाहरे नूं संबोधन करदिआं आगूआं ने केंद्र अते पंजाब सरकार ते मजदूर विरोधी नीतियां अपनाउण दा दोष लाया। कनैक्शन मिलने चाहिए रसोई गैस दे जी, जिहड़ा सानूं तेल मिलदा सी चल कनैक्शन तां बंद करे, जिहड़ा तेल मिलदा सी डिपुआ च साडा ओह तेल भी बंद हो गया। यह दसो भी असीं आपदे बच्चिआं नूं रोटी काहदे नाल पका के ते काहदे नाल खवावांगे। राशना च ना सानू तेल ना खंड ना कणक ना सानू रसोई गैस कुछ नहीं मिल रहा। जो असीं इत्थे आउने आ कह देंदे ने भी चल दवांगे लागू करांगे, इह जिहड़ी गल है ब्लैक च ते इह दे देंदे ने 600 का भी 700 बार। सानू एक दिन भी लेट हो जा साना सिलेंडर नहीं जी भर रहे ने। पंजाब विच नगर निगम अते नगर पंचायतां दीआं चोणां दा बिगल वजन तों बाद हर पासे सियासी सरगर्मियां जोरां ते ने। अज असीं गल कर रहे हां नगर पंचायतां मंडी बरूवाला मखूल तलवंडी साबो अते मल्लांवाला खास दीआं चोणां दी। नगर पंचायतां दीआं चोणां दा बिगल वजदिआं ही मालवे दी सियासत विच एक बार फिर तों गर्मी आ गई है। मुक्तसर के कस्बे बरूवाला मंडी और फिरोजपुर के कस्बे मखू के नाल नाल नगर पंचायत वजों अपग्रेड किए गए बठिंडा के तलवंडी साबो और फिरोजपुर के मल्लांवाला खास च चोणां दा पूरा जोर है। जिला फिरोजपुर की मखू नगर पंचायत दीआं चोणां नूं लैके अकाली भाजपा गठजोड़ और कांग्रेस विचकार शब्दी वार भी शुरू हो गए ने। मखू नगर पंचायत से लगातार पिछले 20 सालों तों कांग्रेस का कब्जा रहा है, परंतु इस बार सत्ताधारी पार्टी अकाली भाजपा वालों अपनी जित यकीनी दसी जा रही है, पर कांग्रेस इस बार भी बाजी मारन का दावा कर रही है। श्रोमणी अकाली दल के मखू तों प्रधान एमसी इंद्रजीत सिंह का कहना है कि अकाली सरकार इलाके के विकास लई वड्डे पद्धर ते ग्रांटा जारी कर रही है, पर दूजे पासे सीनियर कांग्रेसी आगू नरेश कुमार इलाके विच होए विकास कार्यां दा सिरा अपने सिर बन रहे ने, पर जेकर इलाके दे लोकां दी सुणिए तां मखू विच विकास कार्यां दा बुरा हाल है। अज तो जेहड़े पिछे 3 साल 3 नगर कमेटियां रहियां ने ओह कांग्रेस पक्षी रहियां ने, ते उहनां ने आपदे हिसाब नाल जिवें वी उहनां नूं ठीक लग्गिया करदे रहे ने। कोई किसी दे कमेंट्स देना तां मैं चंगी गल समझदा नहीं, फिर भी जिन्नी कोई अगले की कोशिश सी उन्होंने किया। हाँ असी कोशिश करांगे भी हुण आने वाली चोणों में अकाली दल का प्रधान बनता है तो असी वध तो वध शहर के विकास वास्ते लोगों के भले वास्ते काम करांगे, खास करके सफाई वाल ते गलियां नालियां दा ते पानी का प्रबंध ज़्यादा चंगा करने की कोशिश करांगे। शहर का विकास कराया, गलियां नालियां वाटर सप्लाई का तकरीबन सारे वार्डों के कंप्लीट हो गया जी, ते कमतियां हाल साडा 50 लाख के करीब उहदा सी मतलब बजट सीगा, वो थोड़ा जिहा तैयारी रह गई, बाकी तकरीबन कंप्लीट है जी। पार्क की डिवेलपमेंट कराई, पार्क बहुत वधिया मखू दे विच बनाया जी। साडियां कुछ पैसे वेले रह गईआं जी, जिस तरह कि बस स्टैंड की सानू लोड़ है, साढ़े शहर के नाल गंदा नाला लगता जी, असी उहदी डिवेलपमेंट करना चाहुंदे आ आने वाले टाइम च। पिछे असी करना चाहते सी, सानू उहदी मंजूरी ना मिलने कारण वो साडा सपना अधूरा रह गया जी। असी गांह वास्ते भी जिहड़े हैगे ने जी आने वाला टाइम च वध तों वध डिवेलपमेंट करावांगे। इत्थे स्वच्छ जल साफ सुथरा पीण वाला पानी ही मखू दे विच मुहैया नहीं है। बाहरों कोई आंदे आ 20 रुपए वाटर कूलर मजबूरन लोगों नूं लैना पैंदा, फिर शहर दे विच कोई साफ सफाई का इन्ना खास प्रबंध नहीं है। गली थां थां वेखो हुण भी कूड़े दे ढेर लगे सी जिन्हां नूं असीं अग नाल ला के जलाया वा। फिरोजपुर के कस्बे मल्लांवाला खास नूं इस बार नगर पंचायत का रुतबा दिता गया। करीब 9000 वोटां वाले इस कस्बे विच अकाली दल और कांग्रेस के उम्मीदवारां दीआं चोण सरगर्मियां सिखरां ते ने। हल्के के सीनियर अकाली आगू बलविंदर सिंह का कहना है कि टिकटां दी वंड तों बाद उम्मीदवार हल्के विच पूरी तरह सरगर्म ने अते इस बार उन्हां दी जित यकीनी है। दूजे पासे मल्लांवाला दे साबका सरपंच ते कांग्रेसी आगू नछत्तर सिंह दा कहना है कि जेकर उन्हां दी जित हुंदी है तां इलाके दे विकास लई अहम कदम चुके जाणगे। सारे जिहड़े बंदे साडे ने ओह जित्तणगे श्रोमणी अकाली दल दे, जो उदों गां जित्तण तों बाद जो पार्टी फैसला करेगी उहदे उत्ते पूरे उतरांगे। बाकी जिहड़े साडे आ पाणी दी हैगा इत्थे
कमेटी दे आ जाती कमेटी ये सारे मसले जेड़े पानी दे करांगे होर सड़कां दे गलियां दे हस्पताल दा बस अड्डे दा जो भी ये सारा असीं दसांगे सारा करवावांगे। असीं ये विश्वास भी दवांदे आ अते सरकार तो मंग भी करदे आ कि जे लोग साडी पार्टी नूं बहुमत दे के चोणां दे विच जिता के साडी पार्टी दी कमेटी बणाउंदे हन असीं पिंड दा जो भी रहिंदियां मुश्किलां हन जिमें सीवरेज का सिस्टम होया पानी का निकास सारा सिस्टम सेहत सेवावां वास्ते पशुओं का अस्पताल साडे है नहीं बस स्टैंड है नहीं गा बहुत ज्यादा मुश्किलां ने जिन्हां नूं असीं पहल दे आधार से दिन रात एक करके उन्हां नूं सरकार तो मदद मांग के इन्हां नूं बनावांगे। बठिंडा विच पैंदे अते गुरु की कांशी वजो जाने जांदे तलवंडी साबो नूं भी अपग्रेड करके नगर पंचायत दा दर्जा दिता गया है। इस हलके दे अकाली आगू गुरतिंदर सिंह दा कहना है कि उन्हां दी पार्टी इस चोणां च हर हाल विच बाजी मारेगी पर दूजे पासे कांग्रेस दी सीनियर आगू उषा राणी दा कहना है कि कांग्रेस इह चोणां लोक मुद्दियां ते लड़ रही है ते लोक उन्हां दा साथ जरूर देणगे। मेन एजेंडा तां डिवेलपमेंट दा ही है और अलग अलग वार्ड दी हरेक बंदे दी आपदी जिम्मेवारी बन जांदी है और फ्यूचर दे विच आम बंदे नूं जिहड़ियां मुढ़लियां सहूलतां जिवें कि वाटर सप्लाई सीवरेज जां कोई बुढ़ापा पेंशन ते दूसरा हो गया आटा दाल स्कीम भी कोई भी इस स्कीम तों वांझा ना रह जाए और साडी इही होगी कि हर एक नागरिक नूं पूरियां सहूलतां दित्तियां जाण। ते मुद्दे इंसानियत दे नाते ते ही होएगी कि मतलब भी कोशिश साडी इही होएगी भी आपां जिन्ने भी हो सके लोक भलाई दे काम करिए और लोगां नूं इंसाफ दवाईए जो भी टक्का अपने नाल मतलब हो रहा है ओपोजिट साइड वालों असि मतलब उन्होंने तो लोगों नूं मतलब जानू करवाना है और उन्होंने हक असि उन्होंने दवाने ने। मालवे की सियासत का धुरा कहे जाते जिला मुक्तसर की मंडी बरीवाला विच भी अजकल सियासी चहल पहल देखी जा रही है। मंडी बरीवाला तो अकाली आगू चरणदास का कहना है कि वह इलाके के विकास लिए पहला भी काम करवाते आ रहे हैं अगे तो भी करवाते रहेंगे। दूजे पासे कांग्रेस के आगुआ वालों इलाके विच हुए विकास का सिरा कांग्रेस के सिर बनिया जा रहा है पर इलाके के लोग सियासी दावे की असल तस्वीर कुछ इस तरह बयान करते हैं। सीवरेज या वाटर वर्क्स या कोई भी मंडी की सफाई सफुई बारे सारे काम जानी कि पहला भी करवाने हैं तो हम भी कराने मुश्किलों जी इतने मेन तो वाटर सप्लाई की घर घर पीने वाला पानी है नहीं जी जोड़ा वाटर वर्क्स इतने बनया हुआ जी वो 40 साल पुराना जी जदों मंडी की वर्दी 4000 सी उस टाइम का बनया हुआ जी ना इतने कोई सीवरेज की है सहूलत है जी गलियां नालियां देखो तुम 4-4-5-5 फुट डूंघियां हो चुके नाले बन चुके असी चाहते हैं सड़कों का बुरा हाल है गलियां का जाके देखो जी लंघन नूं थां नहीं कितें असी मतलब जो भी डिवेलपमेंट करनी है पहला इहनूं तरजीह देवांगे। मुश्किल यह हैगी है मंडी दे विच कोई साधन नहीं आन जान दा साधन नहीं हैगा हर कोई बंदा ग्रेज करदा मंडी दे विच आंदे व्यापारी लाइन दे मंडी दा बहुत ही पट्ठा बैठ चुका हैगा कि साधन नहीं होण करके नंबर दो ते इत्थे कोई खास सफाई का प्रबंध नहीं कोई हैगा जी असी इहदा कहना है कि जिहड़ा हुण नगर पंचायत दीआं इलैक्शन हो रहे हैं उहो जिहा ही प्रधान बनिया बनना चाहिए हैगा जिहड़ा सिर्फ मंडी का ही ध्यान रखे। इन्हां चोणां नूं लैके भावें सियासी सरगर्मियां विच वाधा होया है पर विधानसभा चोणां वांग इन्हां चोणां विच भी लोक राय उभर के सामने नहीं आ रही। सियासी पार्टियां दी आपसी फुट जिथे इन्हां चोणां ते भी असर पावेगी उथे स्थानक पद्धर दा आपसी मिलन मिलाप भी चोणां विच अहम भूमिका अदा करेगा। सुवर्ण सिंह दानेवालिया नाल कौमिता मिन्हास डीएन नाइट न्यूज। ते हुण समां क्वेश्चन आफ द वीक दा। पिछले हफ्ते असीं तुहानूं पुछिआ सी कि 1984 विच साका नीला तारा दौरान भारतीय फौज